नमस्कार, मेरा नाम नीतू धनवानी है। मैं डैजलिंग की एग्जीबिशन से हूँ और यहाँ राखी, तीज और ईद को लेकर एग्जीबिशन रखी गई है, जिसमें इंडिया के काफ़ी जगहों से लोग आए हैं और हम लोगों ने बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ रखी है, फूड का भी आयोजन है। तो एक छत के नीचे हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें रखी हैं, किचनवेयर है, कॉस्मेटिक्स है, शू है, कपड़ों का है और कुछ हेल्थ ड्रिंक्स भी है और ज्वेलरी भी है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें एक ही छत नीचे, मतलब डिफरेंट जगह से लोग। हाँ जी, जयपुर। कैसे मैनेज किया? कुछ तो हम लोग ये एक्चुअली हम लोग कुछ 4-5 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, तो ये हमारा 13वां एडिशन है। तो कुछ तो हम लोगों को लोग जानते भी हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट, जैसे आप न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं और डिजिटल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग। हाँ, हमारा ये डेजलिंग एग्जीबिशन का 13th एडिशन है और इस बार हम लाए हैं तीज, ईद और राखी। इन तीन त्योहारों को हमने किया है कि इन तीन त्योहारों के लिए शॉपिंग एक ही छत के नीचे हो, तो इसलिए आए हैं। और यहाँ पे सारे इंडिया भर से स्टॉल वाले आए हैं, उन्होंने अपने अलग अलग वैरायटी लगाई है, जैसे दिल्ली का डिज़ाइनर है तो जयपुर का लहरिया है, और मुरादाबाद का वेस्टर्न है तो दिल्ली का शूज़ है। हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे एक फूड काउंटर लगाया है, क्योंकि कोई भी इवेंट फूड के बिना पूरा नहीं होता है, तो लेडीज़ आएँ और अपने एंजॉय करें, शॉपिंग के साथ फूड को भी एंजॉय करें, तो ये हमारा मोटिव है।